हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारी जो साउंड है, तो सामने वाला अगर हमारे आसपास नहीं भी है, हमारा जो ऑब्जर्वर है अगर वो इस रूम के बाहर भी है तो भी हमारी साउंड उसको सुनाई देती है। इसका रीज़न क्या है, वॉट अबाउट दैट? ओके, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्या होता है डिफ्रैक्शन होने के लिए, इन जनरल पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द ऑब्स्टिकल एंड एंटरिंग इन टू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक तरीके से कि कोई आपके पास में एक ऑब्स्टिकल है, उस ऑब्स्टिकल से कोई लाइट पास हो रही है, उसकी एजेस से जब वो बैंड हो जाती है, इसी को ही हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो लाइट वेव में डिफ्रैक्शन इजीली शो नहीं होता है, बट साउंड वेव में हमें डिफ्रैक्शन इजीली नज़र आता है। किस तरीके से आता है उसकी हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ इस रूम में आपको लेक्चर बना रही हूँ, आपको लेक्चर वीडियो आपको शूट कर रही हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो साउंड है वो इस रूम के बाहर भी जा रहा है। तो इस रूम से बाहर जाने के लिए मेरी साउंड को दो ही मीडियम की जरूरत होती है, या तो मेरा साउंड गेट से बाहर जाएगा या फिर विंडो से बाहर जाएगा। तो क्या होता है कि जब गेट से बाहर जाता है तो उसकी जो एजेस होती है वहाँ सर हमारी जो वेव्स है, साउंड वेव है, वो वहाँ से बैंड होकर चली बाहर निकल जाती है। और जो बिहाइंड द हमारे पास बिहाइंड द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल के बाहर जो भी बंदा है, जो भी ऑब्जर्वर है, उसको हमारी जो वेव है, जो हमारी साउंड वेव है, वो उसके पास तक पहुँच जाती है। और यही रीज़न होता है कि इस रूम के बाहर जो भी बंदा होता है वो हमारी आवाज़ को, हमारी वॉइस को ईजिली हियर कर सकता है, सुन सकता है। या फिर ये कह लें कि ये रूम चारों तरफ से पैक है, कहीं से भी इसमें होल नहीं है, बट ये जो ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर एक होल है, तो भी इस रूम के बगल वाले जो बंदा होगा, जो भी होगा ऑब्जर्वर, वो मेरी वॉइस को इजीली हियर कर सुन सकेगा। यही होता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब बट हमें यहाँ पर बात करनी है डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो लाइट का डिफ्रैक्शन हमें इजीली शो नहीं होता। इसका रीज़न है कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है इन कंपैरिजन ऑफ साउंड वेव्स। बट उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं, लाइट की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में अगर मैं ट्यूबलाइट को अगर मैं शो करती हूँ कि मैं मेरी फिंगर से एक स्लिट बना देती हूँ और उस स्लिट को मैं अपनी देखती हूँ, उस ट्यूबलाइट को शो करती हूँ, तो नज़र आता है मुझे कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मुझे नज़र आएगी। तो यही जो पैटर्न होता है लाइट का, दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। मीन्स अगर ऑब्स्टिकल्स बहुत छोटा है और लाइट की वेवलेंथ भी बहुत छोटी है तो मुझे लाइट का डिफ्रैक्शन ईजिली शो हो जाएगा, मुझे वो नज़र आएगा। ओके, तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो बैंड डिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है, लाइट का जो डिफ्रैक्शन है ऑब्स्टिकल जो है, वो एक जनरल प्रॉपर्टी हो जाती है वेव की। वेव अलग अलग तरीके की होती है, रेडियो वेव्स होती है, साउंड वेव्स होती है, लाइट वेव्स होती है। तो रेडियो वेव्स और जो साउंड वेव्स है इन सब में आपका जो डिफ्रैक्शन है वो ईजिली नज़र आता है, बट लाइट वेव्स में नज़र नहीं आता है। ओके, तो अब आती है बात कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की क्या कंडीशन हो सकती है, डिफ्रैक्शन कब होगा? फर्स्ट कंडीशन, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। सेकंड कंडीशन, वेवलेंथ ऑफ वेव। आपका जो ऑब्स्टिकल है, आपका जो एपर्चर है, उसकी साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है, और लाइट की वेव जो भी आपके पास में वेव है उसकी वेवलेंथ क्या है, दैट मींस डिपेंड ऑन डी एंड लैम्डा। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है, डी इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा, कि जो ऑब्स्टिकल है आपका वो जो लाइट की वेवलेंथ है या तो उसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए या फिर उससे वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। तो साउंड वेव में हमें इसलिए ही नज़र आता है क्योंकि साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो मीटर में होती है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका डिफ्रैक्शन इजीली नज़र आता है। बट जो आपके पास में लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर से रहती है, दैट इज वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल होती है इन कंपेरिजन ऑफ साउंड। दैट्स व्हाई हमें लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो इजीली नज़र नहीं आता। बट हाँ, एक ही केस में लाइट का डिफ्रैक्शन नज़र आ सकता है कि जो ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल का साइज अगर बहुत 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 छोटा है, इन दैट केस हमें जो लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो इजीली शो हो सकता है। तो ये तो थी बात डिफ्रैक्शन की कि डिफ्रैक्शन क्या होता है और उसकी क्या कंडीशन हो सकती है, डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है। अब बात आती है टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन की, डिफ्रैक्शन की क्या टाइप्स होते हैं।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रणय रिफ्रेक्शन की हम बात करते हैं पहले। डिफ्रेक्शन टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन एंड कंडीशन क्या होती है डिफ्रेक्शन के लिए। आई होप आप